तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आपको सामने मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए हम इसमें 10th के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड द्वारा आया जिसके बारे में मैं बताऊँगा। यानी मैट्रिक की आंसर की आज से होगी वेबसाइट पर अपलोड। जो मैट्रिक का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव का आंसर की है, ऐसा जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे कि 12th का जिस तरह से आंसर की अपलोड किया था बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी तरह से मैट्रिक का भी आंसर की आज अपलोड अपने वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। और किस तरह से, कितना दिन तक रहेगा और किस तरह से चेक करना है तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें बोला गया है कि पटना बिहार माध्यमिक परीक्षा 2019 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुंजी यानी आंसर की रविवार के अपलोड हो जाएगा। यानी अपलोड कर दिया जाएगा। इसे कोई भी व्यक्ति को उत्तर कुंजी में 13 मार्च तक आपती दर्ज करा सकते हैं। यानी किसी प्रकार के भी आपको आंसर की में त्रुटियां हैं तो उस पर आप तो आंसर की में किसी तरह की त्रुटियां हैं तो उसे आपती दिनांक आप दर्ज करवा सकते हैं। यानी किस तरह से, तो चलिए इसमें देखिए, मैट्रिक की परीक्षा में 50 अंकों में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उनका ओमर शीट आंसर की आज बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देगा। यानी मैट्रिक परीक्षा 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर एमआर शीट परीक्षार्थी को दे देगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वेबसाइट मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए सभी विषयों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर विशेष तौर पर किया है। विशेष द्वारा तैयारी उत्तर कुंजियों के कोई भी परीक्षार्थी, अभिभावक या शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिकारियों को वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह जानकारी समिति अनंत किशोर ने दी है। यानी अनंत किशोर के द्वारा यह बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया गया है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे कि किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव गलती है या सही है। तो आप बेहतरीन ढंग से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिला सकते हैं। इसमें आनंद किशोर तो किस तरह से, कितना दिन तक ऑफिशियल वेबसाइट पर रहेगा और किस तरह से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है मैट्रिक बिहार बोर्ड के बाद आप मैट्रिक की वेबसाइट देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर वहां से अपलोड कर सकते हैं और वहां से आप आंसर की को मिला सकते हैं। यह अपलोड किया गया देखिए 13 मार्च तक ही रहेगा। यानी 13 मार्च से पहले ही आप लोग को चेक कर लेना, फिर 13 मार्च के बाद उस वेबसाइट फिर बाद में ओपन नहीं होगा। यानी 13 मार्च तक आप लोग को ओपन होगा। आपके पास 3 दिन टाइम है और 3 दिन में आप अपने ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन ढंग से मिला सकते हैं। तो यह था नोटिफिकेशन। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करिएगा तभी अगला कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग के पास पहुंचाता रहता हूं। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।